सर पूरा कंप्लीट हो गया नहीं अभी इसमें बाकी है। हाँ था? ओके सर। तो ये एक चैप्टर जो है इसमें अभी काफी काम बाकी है। इसमें सर तेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है इसमें काम बाकी है। सर तो फिर वो आप गैसियस के एग्जाम रखने वाले थे, वो आप क्या करने वाले हो? देखो सीए कब रखा है तुम्हारा? डेट आ सर गई है? सीए तो दिवाली के शायद बाद है कभी, हाँ तो तो अभी इसका दिवाली मतलब के कि नेक्स्ट वीकेंड, मतलब दिवाली से जो अगला वीक आएगा उसमें। हाँ हाँ सर तो कब से तुम्हारी छुट्टी है? कुछ टाइम डेट सर मिल गया क्या? 12 to 16 दिया हुआ है एकेडमिक कैलेंडर में। हाँ तो सर बस वही है, वैसे ट्वेल्व तो टू पता सिक्सटीन नहीं, नहीं ट्वेल्व मतलब टू सिक्सटीन होगा जो दिया है उसमें, उसी ओके वही सर। होता है। हाँ नहीं सर मतलब तो ऐसा ग्रुप पे कोई कंफर्मेशन नहीं आया नहीं तो अभी हम। वो सर ने कैलेंडर शेयर किया तो उसमें डेट्स दी होती है कौन कौन से दिन हॉलीडे है। हाँ उसमें अगर दिया है ना तो वही हॉलिडे रहेगी उसने दिन कैलेंडर के हिसाब से। ओके सर। अब दिवाली मैथ्स के वाले सर कौन भी कह सा रहे थे, कैलेंडर? मैं फॉरवर्ड एक कर दूंगा वापस। ओके एक होता सर है ओके एकेडमिक कैलेंडर रहता है। सर जेल का है वो सर, मतलब इस ग्रुप में नहीं अभी है शायद मेरे को इसलिए पता है सर। क्योंकि एक दो दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया था। हाँ हाँ गौरव सर ने शेयर किया था। 11th को रख देते हैं क्या गैसियस का? ठीक है ओके सर 11th को अपना हो जाएगा एग्जाम, वेडनेसडे को, और टाइम भी मिल जाएगा पेपर बनाने का। बीच में सीए वगैरह के पेपर बनने तो थोड़ा काम ज्यादा है, तो जो टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं लोग तो वो सब मैम लोग इसको बना देंगे। ठीक है तो 11th को रख लेते हैं। अभी टाइम काफी है प्रिपेयर करने का, 7 दिन है लगभग, 8वें दिन पड़ेगा। ठीक है तो हमने इसके आगे बात करनी है। ट्वेंटी 21 ट्वेंटी 22 के आगे डाउट्स, डाउट्स अभी नहीं करेंगे, डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कर देना बता दूंगा मैं। 21 22 क्या बता रहे हो? सीए सी ए सर सी ए जी होंगे। हाँ 22 22 सी ए। ठीक है तब तो काफी दिन है। तो जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे वो सारे फॉर्मूलाज को अगर हम एक जगह पे लिखना चाहें तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये पहली चीज करी थी, और दूसरी चीज करी थी लैम्डा के दूसरे फॉर्मूले, ये एक टॉपिक अलग है, ये दो चीजें कर ली हैं। 1/50 वी स्क्वायर रूट, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है बताओ? सर इसके लिए इलेक्ट्रॉन, वैलिड, और ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा और यस वोल्टेज सर। वोल्ट में रखेंगे, तो ये दो चीजें इनके ऊपर काम कर लिया है। तीसरा जो काम है वो है बोर मॉडल से रिलेट करना है, तो जिन्होंने बोर मॉडल नहीं पढ़ा है वो उनको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, तो उनको फिर मैं जब कवर अप लूंगा उसमें समझाऊंगा, बाकी समझने की कोशिश वो भी करेंगे। तो यस सर। ये क्या कहता है सर व्हेन, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो बोर वही मॉडल सर का? थोड़ा सा तो समझा दो मतलब, हाँ व्हेन एक आइडिया वी, दे दो बस। हाँ समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें है, बहुत आसान है। व्हेन वी कंबाइन बोथ बोर्स मॉडल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन हम क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ, पहले याद रखना है, द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय दी इलेक्ट्रॉन वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन सा नेचर माना है डी ब्रॉगली ने, बोलो। सर ये न्यू फॉर्मूला है। हाँ न्यू फॉर्मूला आएगा अभी आने वाला है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। डी ब्रॉगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर भी है और वेव वेव नेचर नेचर, भी है।
तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट किसे बोलते हैं बताओ, सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, जो सर्कुलर पाथ होता है वो, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। यस और ये जो अंदर है छोटा सा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्या रहते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है बोलो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घूमता है। तो यस सर। बोहर मॉडल क्या बोलता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, किस किधर लगेगा, इनसाइड। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट करेगा, और ये जो अट्रैक्शन होगा इसके थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो हमारे इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, जो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगता है। जैसे तुमने क्या किया, कोई बच्चा है, उसने एक डोरी ले ली, एक रोप ले ली, और रोप में एक पत्थर बांधा, उसके बाद उसको घुमाता है, तो इस पत्थर को किस मोशन में घुमा रहा है, वो सर्कुलर मोशन में, है सर्कुलर। ना। और ये जो फोर्स लगता है रोप पे अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, इस पत्थर पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बोहर मॉडल इतना है। बोहर मॉडल क्या बोलता है वो मैं आगे बताऊंगा। बोहर मॉडल ये बोलता है कि अगर एंगुलर, इसको कि एम वी आर से लिखते हैं, एम क्या है बोलो यहाँ पे, मास, वी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस, रेडियस, आर क्या है, इसकी वैल्यू होती है एन टाइम्स एच अपॉन टू पाई, वेयर एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर, एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, सही। किसका फॉर्मूला बोला मतलब इसकी आपने, वैल्यू। ये सेंट्री। बोर मॉडल का पोस्टुलेट है, बोर मॉडल से ये फॉर्मूला आता है। ओके, एन की वैल्यू क्या हो सकती है बोलो, 1 2 3 4 5। अब भाई ये ऑर्बिट नंबर का ऑफ नंबर शेल जो है है, वो क्या है, वन हाँ टू थ्री नंबरिंग है, वो एक नंबर है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो ये एन की वैल्यूज होती हैं। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहे हैं, कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल में घूमता है तो वो हमेशा किसके फॉर्म में घूमता है, वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, वेव वेव के के फॉर्म फॉर्म। में। तो इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में घूमता है, वेव के फॉर्म में। हमने यहाँ क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वेव फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन इन बोअर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू दी ऑर्बिट नंबर। कितनी वेव फॉर्म करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो ऑर्बिट नंबर पे। मान लो ऑर्बिट नंबर हमने ले लिया 4, तो कितनी वेव फॉर्म करेगा बोलो इलेक्ट्रॉन, कितनी वेव फॉर्म करेगा घूमते हुए, 4 वेव। कितनी वेव, चार में तो एक, दो, ये जो हमें निकालना तीन, था, ये जो आपने फॉर्मूला बताया एमवीआर, उससे चार। निकलेगा क्या? ये फॉर्मूला अलग है, ये बोर मॉडल में पढ़ाया था, इसलिए इसको साइड में बताया, ये साइड वर्क है, ये याद रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन एम मास का इलेक्ट्रॉन है, कितने मास का इलेक्ट्रॉन है, एम, और वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। अच्छा लीनियर मोमेंटम क्या होता है बोलो, कल पढ़ाया था एम वी। यस सर, तो एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ क्या एक्स्ट्रा आ गया है, रेडियस ऑफ दी रेडियस है क्योंकि सर्कुलर वो सर्कल पाथ। हो गया। हाँ जी सर, हाँ, इसलिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ आता है। इसका नाम क्या है, इसको एल से डिनोट करते हैं, एल इज इक्वल टू एम वी आर। और ये किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन टू पाई के। एच क्या है बोलो, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट सर। हाँ, तो दोनों को मिलाने पे क्या पता चला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर। अगर एन इज इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी वेव फॉर्म करेगा बोलो, कितनी वेव फॉर्म करेगा, 4। अगर सर 5 में घूम फोर रहा है तो कितनी वेव फॉर्म फाइव, करेगा, 5। इस तरीके से अगर 6 में घूम रहा है तो 6 वेव फॉर्म करेगा। और अगर बताओ कोई ऑर्बिट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट देन द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, कितने होंगे बोलो,
फोर समझ में आया? हाँ, अगर बताओ n इक्वल टू वन में घूम रहा है तो कितनी वेव फॉर्म करेगा? वन. हाँ, देन नंबर ऑफ वेव्स कितनी फॉर्म करेगा? वन. ऐसे अगर बताओ इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन n इज इक्वल टू n, nth में घूम रहा है, देन नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी बोलो? n. n वेव्स हो जाएंगी. तो ये डेटा लिखो, फिर इसके आगे चलते हैं. इसमें नोट करना बचा है क्या किसी का? सर एक से बस थोड़ा सा बचा है, लास्ट एकदम नीचे का ही बचा है एकदम, जो आपने अभी लिखा. सर ऊपर से मेरा नीचे का ही बचेगा. ठीक है, बताओ मुझे कहां से लिखना है. सर आप ये क्लासेस क्या लैपटॉप से लेते हो? लैपटॉप नहीं बन पाते होंगे ना सर? नहीं नहीं, ये टैबलेट है ना, इस पे बन जाते. अच्छा टैब. हाँ समझ गया सर. तो ये जो नोट्स है मैं तो फॉरवर्ड कर देता हूँ ना तुम लोग को. हाँ जी सर. नहीं सर, वो मेरे को लगा कि मतलब अगर आप लैपटॉप से करते हो तो ऐसे मतलब हैंडराइटिंग आती कैसे आपकी ट्रैक पैड को यूज करके, इसलिए पूछ रहा हूँ. अच्छा हाँ. नहीं नहीं, ये इस पे ही लिख लेते हैं. और अगर मान लो कोई लैपटॉप यूज करता है तो वो अलग से आता है इसमें पैड लगाने वाला. हाँ जी सर, पता है. सर मतलब जितना एन की वैल्यू रहेगा उतना ही वेव्स बनेगा? हाँ हाँ, जितनी अगर पांच है तो पांच वेव बनेगी, छह है तो छह वेव बनेगी. जैसे इसमें कितनी वेव बनाई मैंने? चार में. चार बनाई कि नहीं बनाई? चार बनाई सर. हाँ, तो अगर तुमको बना के देखना है तो सिंपल तरीका है, उसको पांच बराबर बाट में बांट लो, उसमें वेव बना दो, है ना? सबने लिख लिया ये? सर वो ई के ऊपर वो नेगेटिव साइन है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. ओके सर, इलेक्ट्रॉन. हाँ, वो ऐसे एक तरीका है नोट करने का, ई भी लिख सकते हो सिर्फ. नहीं सर, आपने जो लास्ट क्लास ली थी उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज सकते हो क्या? न्यूमेरिकल्स जो भी है मतलब, अगर आपके पास है तो. हाँ हाँ, जो लास्ट क्लास ली है क्या? हाँ जी सर, क्योंकि उसमें सारे ऑलमोस्ट हमने न्यूमेरिकल्स का ही पढ़ाया. सर आपने फॉर्मूलास पढ़ाए थे? यस सर. डी ब्रॉग्ली. हाँ, उसका भेज आज इसके साथ कंबाइन करके भेजूंगा. हाँ जी सर, आज वाली क्लास भी उससे रिलेटेड है. यस सर, यस सर. सर शायद आपने उसके पिछले वाला भी नहीं भेजा मतलब सर आपके सर का? नहीं सर, ये स्लाइड्स. हाँ स्लाइड्स. अच्छा भेज दूंगा, वो तो मेरे पास सेव है, अभी भेजता हूँ. सर आप नीचे कर सकते हो. हो गया सर. सर डन. ओके. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट, तो कितनी वेव बनेंगी बताओ? ऐसी कितनी वेव बनेंगी बोलो? n नंबर ऑफ वेव्स. n नंबर ऑफ वेव्स. यस सर. n वेव्स ऑर्बिट नंबर n. n. अच्छा, तो ये रेडियस अगर r है तो बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई r होगी कि नहीं होगी? यस सर ऑब्वियसली. हाँ,
और एक वेवलेंथ अगर लैम्डा है, इफ वेवलेंथ इज लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इज लैम्डा, तो बताओ टोटल डिस्टेंस में कितनी, टोटल जो है डिस्टेंस कवर करेगी, एन इंटू लैम्डा। एक वेव कितनी कवर करती है, लैम्डा। एन वेव, लेकिन हमें लैम्डा की वैल्यू दी होगी क्या यूजुअली? हाँ, वो तो मतलब एक इक्वेशन बना रहे हैं ना, इसमें अननोन कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला बना रहे हैं, तो क्या आएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर, इसका डेरिवेशन है? डेरिवेशन ही तो है, और क्या, और कैसा डेरिवेशन सर? मतलब एग्जाम, जो स्कूल के एग्जाम था उसमें, हाँ, तरीके से पूछा गया, उसमें यही डेरिवेशन कर देना है ऐसे जैसे किया जा रहा है। ये हमें कहाँ से पता है? बोर्स मॉडल पता है ना। अब इन दोनों को हम यूज करने वाले हैं, यहां से हम वैल्यूज को पुट करेंगे। एम वी आर इक्वल टू क्या हुआ, एन एच अपॉन टू पाई, यहां से थोड़ा बहुत चीजों को रिमूव करना है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। एक तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, टू पाई आर बाई एन। अच्छा इसको छोड़ दो, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। ये वाला अच्छा पूछा होगा, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया, टू पाई आर इक्वल टू कितना होता है, एन लैम्डा, और लैम्डा, हाँ यहाँ से एक्चुअली उसको प्रूफ कर देंगे हम। अच्छा यही पूछ रहे थे तुम, लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़ा था कल, एच अपॉन एम वी। यस सर। तो एम वी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन एच अपॉन वी, यही किसमें आया था, बोहर पोस्टुलेट में, है ना। यस सर, ये उसका एक तरीके का प्रूफ है। ओके सर, बट हमें क्वेश्चन में तो सीधे यही यूज करना है, फॉर्मूला नंबर वन, ये उसका प्रूफ है कि अगर लैम्डा एच अपॉन एम वी डालें तो यहाँ से एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय टू पाई प्रूफ हो जाता है। यस सर, नोट हो गया। सर मुझे प्रूफ करने का क्वेश्चन था, चैट बॉक्स पे डाला, एक बार देख ली। सो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ठीक तो है ना सर, यही होगा। हाँ यही है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसको वापस ऐसे कर देना है, देखो उल्टा प्रूफ कर देना इस तरीके से। ओके सर, तो यही लिखा है, सो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द ऑर्बिट। तो ये हमें पता है, यहाँ एम वी अपॉन एच कर लेना, एच अपॉन एम वी, और टू पाई आर के बराबर कर देना। यहीं से देखो अगर प्रूफ जो तुमने पूछा है कैसे करेंगे, ये हमें पता है, तो 2 पाई आर कितना आ जाएगा, एन इंटू एच अपॉन एम वी, है ना। yes, प्रूफ हो गया। ओके सर, इतने प्रूफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा अगर हमें लैम्डा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन वन से लैम्डा कितना आएगा, 2 पाई आर अपॉन एन। अच्छा आर का फॉर्मूला याद है सबको, याद है आर का फॉर्मूला सर, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला है बोर मॉडल में, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, बोर मॉडल में। सर आर नॉट मतलब 0.529। आर क्या है, ऑर्बिट ऑफ, नहीं रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। आर नॉट क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो, 0.529।
एंगस्ट्रॉम. एन क्या है? एन ऑर्बिट नंबर. जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एच लाइक स्पेसीज. याद है सबको ये? सर एक सेकंड, इसको नोट कर लें. हाँ इसको नोट कर लें जो जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है. अच्छा ये एन से एन कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया बोलो. ये फॉर्मूला याद है बट ये बना, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है हमें. क्या याद रखना है? सिर्फ ये वाला. कौन सा याद रखना है बोलो? पूपा यार, हमें ये याद है पहले से. राइट साइड में जो लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले से याद है और ये नया याद किया है. इसको कह लो या ये वाला याद कर लो, सिर्फ फॉर्मूला नंबर वन ये वाला, 2πr = nλ. इन दोनों से सॉल्व करके निकाल नहीं पाओगे क्या? आराम से निकल आएगा. सर ये r नॉट की वैल्यू क्या लिखी है आपने? 0.529. अच्छा 9 है. सर थोड़ा ऊपर करो. सर एंगस्ट्रॉम भी है ना उसके बाद? हाँ एंगस्ट्रॉम है. कहाँ से? यहाँ से. हाँ सर. इस पे बहुत सवाल आते हैं जेई में, नीट में, दोनों में, इस रिलेशन पे. सर बोर का इक्वेशन क्या है? हेलो सर. हाँ ये सबका नोट हो गया? शायद आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही. सबका नोट हो गया? ये क्या हुआ? अच्छा क्या इस पे क्वेश्चन कर रही है? सर एक मिनट नीचे कर दो, एकदम नीचे का नहीं, बस लास्ट. आपने कौन सा बोला था ये नेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं? कौन से इसमें? इसी रूल पे, मतलब 2πr = nλ ये और r = r0 ✕ n² / z, इसको मिक्स करके आ सकते हैं. सर एक मिनट, ये वाला इस इक्वेशन में कैसे, मतलब सर आप अभी आईडिया दे सकते हैं? अभी एग्जांपल लेते हैं इस पे, रुक जाओ. ओके यस सर, होगा. ओके किसी का बचा तो नहीं नोट करने के लिए? अब क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड दी, बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड. फाइंड दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. कैसे करेंगे बताओ? सर ये लैम्डा इक्वल्स टू 2πr0n/2 इससे होगा? मतलब हम ये बोलेंगे कि वी नो ओनली वन फॉर्मूला है ना, यही तो याद है तुम्हें? यस सर. आप बोलोगे इसको? हाँ बस हमें हाइड्रोजन. सर आपकी आवाज गई. हेलो सर. अच्छा इक्वल टू वन. सर आपको कुछ भी नहीं समझ आया? सर पूरी वॉइस कट हो गई थी, एक बार रिपीट कर सकते हो? सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है बीच बीच में कभी कभी. क्या? हेलो सर. हाँ मतलब आवाज कट गई है क्या? अब आ गई सर. पता है आपकी सर एकदम बीच में एकदम ही जीरो हो जाती है, फिर एकदम से बीच में एक दो वर्ड आ जाते हैं आपकी आवाज के. सर आपने लिखा था वो भी नहीं आया था, वो तो आप भी दिख रहे. अच्छा लैग हो जाता है. हाँ सर शायद. अच्छा अरे ये बताओ. हाँ सर आप ये बता रहे थे कुछ फॉर्मूला का. मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे सब कुछ तो दिए हुआ है. यस सर. वैल्यू पता है, एन कितना है बोलो? एन वन है, तो लैम्डा निकाल के मुझे बताओ आंसर क्या आएगा. यस सर. सर आर तो नहीं दिया ना, लेकिन आर का फॉर्मूला दिया है ना. इसीलिए तो बोल रहा हूँ दो फॉर्मूले लगेंगे एक साथ ऐसे सवालों में, है ना सर. लेकिन Z की वैल्यू भी तो नहीं दी. तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर वन होता है. अच्छा हाँ Z तो वही होता है सर. यस सर करते हैं.
बात ये है ना कि वो जो क्वेश्चन है उसे डेटा निकालना पड़ेगा. फर्स्ट ऑर्बिट मतलब N1 हो गया, यस सर. H एटम मतलब Z हो गया, इतना डेटा पता चल गया, बाकी सॉल्व करो. क्या मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं कि तुम लोग ने किया है? बोलो. क्या आंसर है? कमेंट बॉक्स में लिखी ने. देखो, ऐसे सवाल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. 2 3.14 आर की जगह पे आर नॉट इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, एक लाइन में सॉल्व करो लैम्डा. सर, इसके लिए हमें वो पाई की वैल्यू 222/17/7 लेनी चाहिए, 3.14 लेनी चाहिए. हाँ, कोई ले लो, आप कैलकुलेशन तो करनी है, देख लो है ना. मैं भाई, मेरा हो ही गया था, बस आंसर आ ही गया था, कैलकुलेशन ही बाकी. लैम्डा तो ये सब वन वगैरह, वन तो वन ही है. तो लैम्डा मुझे बताओ कितना आएगा एंगस्ट्रॉम में, जल्दी से. 12 कहाँ से आ आंसर गया? 12 नहीं है, वो 1 का स्क्वायर है. अच्छा हाँ, तो सर वो वन ही है ना, वही. फिर तो मैं भी बस यही कैलकुलेट कर रहा था सर. एंगस्ट्रॉम को अभी, अच्छा ठीक है. 3.33 में बता देना है. हाँ बोलो. 3.33 एंगस्ट्रॉम. तो मेरा 3.7 आ रहा है. तुम्हारा भी ठीक ही है, कोई गलत नहीं है. किसका सर? 3.3 तक जिसका आया वो करेक्ट है, सर थ्री आगे पॉइंट पीछे. थ्री टू आ रहा है, क्योंकि मैंने 22/7 लेके कर लिया, तो शायद उससे थोड़ा फर्क आ रहा है. सर हाँ, 3.4 मैंने राउंड ऑफ किया है, 3.325 आता है, तो 3.33. अच्छा ठीक है, वो कर, कोई बात नहीं. हाँ, 3.325 ऐसा आ रहा है. तो ये यहाँ तक समझ गए आपको. यस सर. क्वेश्चन दूसरा लगाते हैं. यस सर. इसमें थोड़ा बदल देते हैं. फाइंड दी डी ब्रोगली, फाइंड दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ HE+ आयन. अब बताओ क्या आंसर आएगा. ये एग्जाम में तुम्हारा मान लो क्वेश्चन पूछा गया, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. तुमको याद आना चाहिए, भाई ये तो इस फॉर्मूले पे याद आता है, हमें इस पे लगाते हैं इसको. nth ऑर्बिट थर्ड है तो यहाँ पे 3 लैम्डा आ जाएगा. अब इसकी 2 पाई आर की वैल्यू हम लोग फॉर्मूले से डालेंगे, उसके बाद लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे. सर, इसमें जेड नंबर ऑफ ओ डालेंगे ना, प्रोटॉन्स? नहीं, हीलियम जो है एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाँ जी, वही कह रहा हूँ, सॉरी. 2 डालना. हाँ ठीक है, करो. किसी को डाउट आ रहा है इसमें? बताओ
सर आर नॉट की वैल्यू क्या रहती है? आर नॉट की वैल्यू क्या रहती है? 0.529। हाँ है ना भाई, हमने तो फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ाया था, याद होगा तुमको पुराने बच्चे? बोर्स मॉडल का तो नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं, में नहीं था। हाँ, बोर्स मॉडल में नहीं था ना। एक फॉर्मूला याद कर लो कम से कम इतना। हाँ, सर वैल्यू सर अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6-7 डेसिमल प्लेस में आ रहा है, मैं कितने डेसिमल प्लेस तक हूँ? 2 तक ले लो बस। ओके सर। सुनो सर कैसे करते हैं, 4.9। हाँ सुनो क्या आएगा, आर 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, 2π लिखा, आर की जगह क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर बाय जेड और एन लैम्डा, तो एन से एन काट ही दे दो, कोई बात नहीं सर। एन से एन कैसे काट दे? अच्छा पिछले सवाल का मैं देखा ही नहीं था, प्रणव ने तो रेंज में दे दिया है 4.98 से 5 तक ऐसा। सर रेंज नहीं है, मतलब उसको राउंड ऑफ किया है 5। अच्छा अच्छा, मतलब 4.98 को तुमने 5 लिख दिया, ठीक है वो भी सही है ना, बट बात ये है ना प्रणव कि क्वेश्चन जैसे ठीक है यहाँ पे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चल जाएगा, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया ना कि डेसिमल के 2 इंटीजर तक देना है ना प्रणव, तो तुम 4.98 लिखना पड़ेगा तुम्हें, है ना? ओके सर। हाँ बट अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो अपने कॉमन सेंस लगाना है। सर मेरा जो आंसर आया सही आएगा। एन की वैल्यू कितनी ली है बताओ, 3? यस सर। जेड की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2। लैम्डा यहां से निकल जाएगा। नहीं मेरे सर, मैंने आपको फाइनल आंसर किया टेक्स्ट, बस वो पूछा था तुमने। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर 3 बच्चों ने दिया अभी तक, तो बाकी लोग शायद कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सर जो आंसर ज्यादा लंबा है तो करना पड़ा सर, लेकिन जो आंसर दिया वो सही दिया है क्या? वो तुम्हारा आंसर रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये आंसर आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है 3 पॉइंट, तो 4 पॉइंट आना चाहिए। कैसे किया देखो, इसमें कहां पे तुम्हारा गलत है? सर मैंने पहले वो कैलकुलेट किया, क्या कहते हैं, आर कैलकुलेट किया पहले तो सीधा, तो कोई बात नहीं ना। 22/7 एक फॉर्मूला लगाया 3.14 भी चलेगा। यस सर यही लगाया मैंने। एन की वैल्यू कितनी ली थी? हाँ सर 3 ली ना सर, 3 स्क्वायर किया। हाँ थर्ड ऑर्बिटर कितना आया आंसर करके ये बताओ, पर समय पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ सर, क्या बोल रहे हो बताओ? सर 22/7 के अलावा 3.14 लिया तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके सर। क्या आर तुम्हारा ये आया था दक्ष? सर एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ वापस, एक सेकंड दो बस। सर एक सेकंड बस। हाँ एनी डाउट्स एनी अदर स्टूडेंट, क्या यूनिट क्या होगी बोलो? कल्याणी, कल्याणी तुमने आंसर नहीं दिया इसका। निशिगंधा का तो करेक्ट है 4.985, प्रणव का करेक्ट है, आर्यन ने भी आंसर नहीं दिया है इसका, पिछले सवाल का तो दिया था तुमने, पिछले सवाल तुमने दिया है इसका। अच्छा तुम्हारा तो तुम्हारा ही सबसे पहले आया था, ओह सॉरी आर्यन का 4.98 आया था, प्रणव का भी उसके भी पहले आया है, प्रणव ने 4.98 सबसे पहले दिया है। हिमांश नहीं है क्या इस क्लास में? मिताली भी आंसर नहीं कर रही है। हाँ सर मेरा यही आया, वो पहले मैंने लिखने में गलती कर दी सर, वापस कैलकुलेट किया, सही आया। प्रथमेश, दीपेंद्र ये लोग ने दिया था पिछला सवाल का आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में कोई डाउट बचा है क्या? नहीं नहीं सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं क्वेश्चन को बदलता हूँ, क्वेश्चन का
क्वेश्चन को चेंज किया जाए, तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे आईस 10 का ही दे रहा हूँ ताकि तुमको मेरा डेटा झेलना ना पड़े, क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से लूंगा तो काफी टफ कैलकुलेशन हो जाती है, और जो बुक के सवाल होते हैं वो आंसर को देख के बनाए जाते हैं, आंसर आसान आए बच्चों का, तो इसलिए मैं उस पे ले रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें और याद करें, फॉर्मूलाज को रिमाइंड करें, देन फाइंड छूट जा रहा है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से करेंगे बच्चे क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको इक्वेट करके करना पड़ेगा ना। हाँ मतलब मैं तुमको बताता हूं, कल तुमने क्वेश्चन किया था, एक कल नहीं इससे पहले जब डिफ्यूजन इफ्यूजन पढ़ रहे थे या आरएमएस पढ़ रहे थे, जब कंपैरिजन टाइप का सवाल हो तो रेशियो लेकर के डिवाइड कर देते हैं, याद है? तो मैं सिस्टम नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, जैसे सुनो, इसी क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। सर आपका आवाज चला गया है ना, क्वेश्चन का पहला पार्ट। सर हमें बस आवाज चला गया सर, आप क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें क्या बोलो वो आपको, हमें आवाज नहीं आई। अच्छा ये स्क्रीन दिख रहा है आवाज? सर स्क्रीन दिख रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए आर्यन, ये ट्रिकी नहीं लग रहा है क्या आर्यन? ये आसान है, ये कर तो लो। सर हेलो सर, शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए। सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ सब सही है। हाँ सर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे सर? सेकंड लाइन में क्या लिखा है आपने, दो प्लस की एच ई प्लस लिखा है, एच ई प्लस लिखा है। ओके सर, कैसे करोगे बोलो आर्यन, फिर ट्रिकी सवाल देता हूँ आर्यन, ट्रिकी सवाल इसके बाद दिया जाएगा। सर आंसर सही है, चैट में भेजा। चैट में भेजा है तुमने, x बाई फोर ठीक है। अरे सेम ही आ रहा है उसका तो। क्या सेम आ रहा है सर? उसका भी x आएगा। क्वेश्चन समझे हो कि नहीं दक्ष? तुम बताओ पहले, लैम्डा निकालना है। यस सर। इसका लैम्डा एक्स है और हाइड्रोजन वाले का भी लैम्डा एक्स ही आएगा, ये आंसर है। तो जो आंसर इसने दिया है ना प्रणव ने, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, प्रणव एक्स आंसर आएगा। अब देखो कहाँ गलत किया तुमने। आर्यन तुम्हारा हो गया ये? आर्यन सर लेकिन हम एक्स की वैल्यू निकालनी होगी ना, हमें एक्स के टर्म में बताना है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है तो सर, आसान तुम क्या बोल रहे हो दक्ष की हम सॉल्व करें और आंसर को न्यूमेरिकल लाए ना? यस सर। लिखा ही नहीं कहीं पे, इसमें लिखा है एक्स के टर्म में बताना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये आसान हो गया ना क्वेश्चन फिर तो। हाँ सर वो तो समझ आ गया, मैं तो उल्टा मेरे को वो समझ आ गया था, मैं न्यूमेरिकली करने लग गया था। नहीं, जब ऐसे लिखा हो सवाल में
तो पिछली बार तो समझाया था इसलिए बोल रहा हूँ, यू आर एम एस वाला नहीं करा रहा था जब यू एवरेज, उसमें भी तो ऐसे कराए थे रेशियो वाले। यस सर। तो अगर एक्स एक दिया होता है दूसरे को एक्स के टर्म में निकालना पड़ता है। ओके सर। प्रथम यस एक्स है क्या आंसर? यस प्रथम एक्स इज द आंसर। सही है तुम्हारा? बोलो तो कैसे करोगे? देखो सॉल्यूशन करता हूं मैं। पहला एटम जो है लैम्डा, हीलियम के लिए लिख लेते हैं, एच ई प्लस के लिए 2πr = nλ। 2π r की जगह कितना लिखोगे? r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड जेड एन लैम्डा। एन से एन कैंसिल भी हो गया। यस सर। पाई आर नॉट एन अपॉन जेड लैम्डा। हीलियम के लिए लिखना है, हीलियम के लिए कितना दिया है बताओ? एन कितना होता है? यहाँ दिया है सेकेंड ऑर्बिट। यस सर। और जेड दो होता है और ये लैम्डा एच ई प्लस लिख लो, तो ये कितना आया? 2πr₀। इसकी वैल्यू कितनी दी है बताओ? एक्स। क्वेश्चन नंबर वन आप लिखो हाइड्रोजन के लिए, फिर वही फॉर्मूला लगाओगे 2πr = nλ। यस, उसमें फर्स्ट है तो वैसे भी कट जाएगा, सेम वही आ गया। सेम आ गया ना, फिर एन की वैल्यू। हाँ सर, ये तो हो गया था मेरे से, लेकिन मुझे लगा फिर न्यूमेरिकली भी निकाल लेते हैं। हाँ, वो इसलिए नहीं करना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा था। हाँ जी सर, समझ गया। सब्जेक्टिव देते तो पूछ सकते थे। ये भी वैल्यू कितनी आएगी फिर बताओ? 2πr₀ सर, दोनों की इक्वल है तो एक्स ही हुई। हाँ, तो एक्स लिख दो। ये मिलाना है, ये डेटा मिलाना है, ये डेटा दोनों में सेम है ना? यस सर, तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू एक्स हो गई। इसको नोट करो जल्दी से। सर एक सेकंड। हो गया। चलो, इतना तुम लोग ने समझ लिया। सर 2 मिनट लिखना। ओके। वेरी गुड। तो अब देखो, इस बार तो मैं उम्मीद करता हूँ आंसर आना चाहिए। एक अटेम्प्ट और दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है? इसमें तुम लोग को आंसर लाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखो, आइस नंबर 11 है क्वेश्चन, ये तुम्हारा आइस का है। क्या लिखा है सर? ये कौन से आइस का है? तो फाइनल बुक, अभी फाइनल बुक नहीं भेजा है क्या मैंने? शायद नहीं भेजा सर, अभी तो कौन से भी नहीं भेजा है सर। गैसियस का लेक्चर 3 लास्ट था। गैसियस का? गैसियस का सर, गैसियस तक ही भेजा था। नहीं सर, आपने पहले जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वो भेजा था, वो फाइनल बुक ना भेजो वैसे आपने पहले। हाँ वही वाली सर, तो जब पहले पढ़ाया था ना, अभी मैं डाल रहा हूँ, डाल भी दिया है, 2-3 मिनट में आ जाएगा। पेज नंबर 51 से देखना है। कहाँ से देखना है क्वेश्चंस को? नहीं सर, ठीक है सर, ये इसमें से। अच्छा हाँ सर, आप याद आ गया, आपने एक बॉडी वाली डाली थी ना केमिस्ट्री के। हाँ सर, हाँ, फ्रॉम पेज 48 डी ब्रॉगली। सर पर वो पीडीएफ नहीं है। हाँ सर आ गया, आ जाएगा, उसको बाद में देख लेना क्लास के, ठीक है?
अब सुनो जिस जिन बच्चे जो बच्चे नए हैं वो उस पे जाकर के देख लेंगे। अब बताओ मुझे, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li plus 2 ion will be equal to de Broglie wavelength of electron in n is equal to 3 of h atom। ये ऑप्शन भी दिए हैं, b n is equal to 4 of c 5 plus atom, चूंकि वो आयन है तो आयन लिख दे रहे हैं उसमें, n is equal to 6 of b plus 3 आयन इलेक्ट्रॉन है ना। पुराने बच्चे जितने हैं उनको तो पता ही है, और जो नए हैं उनको भी समझ में आना चाहिए भाई, कार्बन में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा, C प्लस 5 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। बेरियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब प्लस 3 लिखा मतलब, यस सर समझ गया, सारे एच लाइक स्पीसीज हैं, आल आर सर, हीलियम में से भी एक निकाल दिया तो हाँ, तो सब एच लाइक स्पीसीज हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये कंडीशन है फॉर बोहर मॉडल, बोहर मॉडल सिर्फ इसके लिए वैलिड है 1 इलेक्ट्रॉन एटम, बोहर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। ये सर आप वापस बता सकते हो क्या बोला? मैंने बोला कि सब में इलेक्ट्रॉन एक ही एक है ना, हाइड्रोजन में भी एक है, सी प्लस पांच में एक ही है, छह थे पांच निकाल दिए एक बचा, बेरिलियम में चार होते हैं ना, चार, तो चार इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कितने बचे, 3 निकाले, एक ही बचा, तो सब कितने हैं, आल आर H-like मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, समझ गए? अच्छा सर, अब हमें उनका निकाल के इससे मैच करना है कि किसका इक्वल आ रहा है, राइट? हाँ। ओके सर, तो अपने हिसाब से करना है तुम्हें, कैसे करते हो? सर एक मिनट बस, सर आपने ऑप्शन सी दोनों जगह लिखा है, डी की जगह। सर ये ऑप्शन बी में ऑर्बिट कितना दिया है? क्या ऑप्शन बी में ऑर्बिट कितना दिया है? अच्छा 4 है। क्वेश्चन पढ़ा है,
सर भेजा मैंने आपको आंसर, जब भेज दिया, छह लोग ने भेजा है। ऑप्शन क्या है ये बताऊं मैं? ठीक है, ऑप्शन बी लॉक किया जाए, ठीक है ऐसा बोला है, फिर बोला है बी दक्ष का भी है, प्रणव का सी है, प्रणव का एन इक्वल टू सिक्स ऑफ बी ये है। नहीं बी वालों का सही है सर, बस का भी बी है, वेरी गुड। किसका सही आ रहा है बस? हाँ सर, मैंने सीडी तो निकाला ही नहीं, बी पे निकाल के मैच आ गया, तुमने बोल दिया सीधा ही। हाँ वन ही करेक्ट है ना? हाँ जी, एक ही करेक्ट है बी। हाँ एक सिंगल करेक्ट है, तो कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन को पढ़ते ही इसको सॉल्व करना था बस, इसमें कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती है कि बहुत सोचना पड़े, नहीं सीधे सवाल दिया है इसको सॉल्व करो। तो 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा, इसमें सोचना ही नहीं था, सीधे सॉल्व करना था। तो 2 पाई आर क्या होता है? आर नॉट इनटू एन स्क्वायर बाय जेड इक्वल टू एन लैम्डा। सर एन, सर इस फॉर्मूले से ओवरऑल हम एन कट ही कर सकते हैं ना एक सीधा? हां बट यार ये सिचुएशन आती है तो ओवरऑल स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा ना, एक नया फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा फिर। हां वो भी है सर। हाँ तो इसलिए ये तरीका बनाया जाता है कि हमें कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़े। हाँ जी सर। तो ये अपना कट गया, तो आया क्या 2 पाई और नॉट इनटू एन अपॉन जेड इक्वल टू लैम्डा। अब सबसे पहले किसके लिए लिखा है? लिथियम के लिए सेकंड ऑर्बिट, तो एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू 2, तो ये है। तो हमें देखना है ये आए सब में 3/2 3/2 आए, किसमें आएगा? देखो पहले हमने सॉल्व करना है अगर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में देखेंगे, यहीं से अब शुरू कर लेते हैं। तो सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है फिर आपने second, उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा Z, सर, Z3 होता है और N2 हो गया। आप सही है, साइड में लिख ली भी लो अगर ऐसे गलत हो जाए। मुझे लगता है नहीं सर, सर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकंड है और Z3 है सर। फिर तो सही लिखा था मैंने। नहीं नहीं सर, आपने पहले भी यही लिखा था और फिर से अभी वही लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो N2 है और Z3 है, आप समझे? यही है ना। अच्छा ये हमने अब तो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए बना ही लिया है ना, अब फिर से बार बार थोड़ा सॉल्व करेंगे, अब तो यहीं से लिखेंगे। तो सर सीधा सीधा उसमें देख लेना किसमें 2/3 आ रहा है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल, आगे चेक करने की जरूरत है तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं करना है तो छोड़ सकते हो। अगर मल्टीपल क्वेश्चन है तो कर सकते हो, मल्टीपल आंसर है तो हाँ उसमें करना पड़ेगा, इसका भी 3/2 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है सिर्फ? तो ये सब काम तुमको करने पड़ेंगे कि तुम कितने फास्ट चलते हो। जब तुमने ये देख लिया आप, तो अब तुम N/Z देख लो सब में, हो गया। हर बार थोड़ा ना सॉल्व करना है पूरा सवाल, क्योंकि JEE में या किसी भी एग्जाम में हमें फास्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन चूंकि क्लासरूम में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं कि सारे बच्चों को दिख जाए, बट एक्चुअल में तो एग्जाम में ऐसे ही किया जाता है ना, फास्ट किया जाता है थोड़ा ताकि टाइम बच जाए। अच्छा तो any doubts in this question? सर जो अपने ग्रुप में वो भेजा सर हाइजेनबर्ग का क्या करना है? सर हाइजेनबर्ग नहीं हुआ ना, मतलब वो दो चीजें छूटी हैं, वो आगे पढ़ने को मिलेगा। अच्छा सर ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करा रहा हूँ। एनीवन हैविंग डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पूछना चाहता है इसमें कुछ? एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्वेश्चन आइस 12 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइस 13 सबको होमवर्क में करना है, ज्यादातर बच्चे इसमें अटक जाते हैं। पेज नंबर फाइनल बुक के 49 पे दिया है। 49 सर, पेज सर होमवर्क ग्रुप है क्या जिसमें शेयर करना है?
वो होमवर्क ग्रुप के लिए लिंक भेज रहा हूँ अभी तुम्हारे हाँ लिए जी सर भेज जो देना मैं इस ग्रुप में बुक का पेज मोबाइल पेज नहीं बुक के अंदर पेज कितना है 49 सर उस पे ये सवाल दिया है आइस नंबर 13 ये होमवर्क में करना है बाकी होमवर्क भी दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है आइस 12 में लिख देता हूँ जल्दी से अगर सबके पास बुक होती तो तुम उसमें देख लेते बट ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ इसको एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट इज इनिशियली एक्सीलरेटेड ये इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है ये कल वाले कॉन्सेप्ट पे है इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करने वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लिखते समझ में आ जाएगा तुम्हें यस सर थ्रू अ पोटेंशियल देखो आर्यन तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये ट्रिकी का सवाल बता रहे थे ना तुम तो देखो ट्रिकी है कि नहीं है ये इट देन हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम इट देन गेट रिटार्डेड रिटार्डेड का मतलब क्या होता है स्पीड का कम यस इट देन गेट रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट्स मतलब -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी एंड देन हैज सर रिटार्डेड तो नेगेटिव हो जाएगा ना मतलब इतने से रिटार्ड हुआ है 19 से सर माइनस आएगा ना उसमें हाँ -19 करना होगा स्टार्टिंग वाले से क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा इसको पढ़ते चलो क्वेश्चन को और फिर दिमाग इसमें लगाओ देन हैज ए वेवलेंथ लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम अ फर्दर रिटार्डेशन अ फर्दर रिटार्डेशन through 32 volts changes the wavelength to lambda 3 ठीक है फिर लिखा है what is सर और कितना बड़ा क्वेश्चन है lambda 3 minus ये इतना ही बड़ा क्वेश्चन है बस इतना बड़ा है ये आंसर जो है 20/41 है तो भाई मेडिकल वाले बच्चे घबराए नहीं उनके में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा सीधी बात है बट जे एडवांस वाले बच्चे तो तैयार रहे ऐसे सवालों के लिए सर मेंस में भी कम ट्रिक सर क्यों ऐसे चाहिए वालों को क्यों चाहिए ऐसे ऐसा इसलिए चाहिए ना क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा है भाई मेडिकल में 3 घंटे में 180 क्वेश्चन है मतलब केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन के लिए मिलता है 1 आवर जेई मेंस में केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन के लिए मिलता है 1 आवर और जेई एडवांस में केमिस्ट्री के 18-20 क्वेश्चन के लिए मिलता है 1 आवर अब बताओ क्या होना चाहिए है ना फर्क है हाँ जी सर उसके अकॉर्डिंगली ये हो गया है सर मैंने ये देखा है जो भी सर मेडिकल का पेपर देता है मोस्टली उसको फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हाँ फिजिक्स में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं आ रहा चुंगो मेरे को भी बायो में भी याद करना है केमिस्ट्री में भी याद करना है कुछ कुछ सर आपका हाँ सर बायो को यूजुअली ऐसा होता है या तो आता होता है नहीं आता होता क्या बोल रहे हो प्रथमेश कुछ बोला तुमने सर आपका आवाज चला गया था बीच में आप कुछ बोल रहे थे कहाँ पे छूटा था बताओ सर वो आपका आवाज बायो से आया बायो से अच्छा मैं बोल रहा हूँ ये इधर लिखा है मैंने कि ये जो सवाल है बड़ा है ना बहुत हाँ सर वो आ गया था मैंने ऐसे सवाल नीट में नहीं आते हैं इधर मैंने बोला है हाँ सर वो फिर गई केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के लिए
सर एक घंटा मान लो या और थोड़ा कम मान लो, जो हिसाब से बच्चा करे 50 मिनट लिख लेते हैं और 25 होते हैं 1 आवर। तो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा है इसलिए मेंस का भी मान सकता हूँ मैं, मेंस में भी पूछा जा सकता है। सर वैसे तो कौन से तो छोटे क्वेश्चन ही रहते हैं, पर वो तो कितने हार्ड रहते हैं। हाँ तो सही बात है, छोटे क्वेश्चन भी हार्ड हो जाते हैं कभी कभी बहुत, है ना। हाँ सर बहुत हार्ड होते हैं, मैंने देखे एक दो बार। हाँ तो ऐसा बड़ा होने से मतलब सर मेडिकल के लिए सबसे स्कोरिंग बायो रहता है ना। हाँ केमिस्ट्री तो सबसे बड़ा स्कोरर है आज तक का। अच्छा सर एग्जाम के लिए, जेई के लिए भी ना सर, सबके लिए स्कोरर सबसे वही है, क्योंकि सर उसमें टाइम कम लगता है, वो या तो आता होता है नहीं आता होता। हाँ तो उसमें तुम कर सकते हो, फिजिक्स में टाइम लग जाता है, फिजिक्स सबसे ज्यादा कम गलत होता है, एक्यूरेसी उसमें ज्यादा है फिजिक्स में, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। केमिस्ट्री में एक्यूरेसी कम होने के बाद भी सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग केमिस्ट्री में होती है, लेकिन मार्क्स केमिस्ट्री में ज्यादातर एवरेज अगर देखा जाए तो बच्चों के उसी में आते हैं। तो ये चीज है, बायो तो है ही, बायो में तो भाई लड़के बहुत नंबर लाते हैं, मतलब जो भी लड़के लड़के इस साल किसी के फुल आए सर 720 में से 720। हाँ तो तुम समझ सकते हो एडवांस में तो ऐसा नहीं होता जल्दी कभी भी, चांस बहुत कम है उसमें फुल आने के, तो इस बार तो दो दो बच्चे जो है फुल ले आए हैं नीट में। यस सर पूरे के पूरे सवाल उनके बायो के वो बुक के अंदर से आए हैं एक सवाल छोड़ के, तो जो बच्चे बहुत मेहनती हैं बिल्कुल डेडिकेटेड हैं तो वो सब याद कर लेते हैं। सर, समझ क्या आंसर आया इसका जल्दी बताओ। सर ये आपने 1 ग्राम गोल्ड लिखा है। 1 ग्राम किधर पे? तो यही पे जहाँ पे आपका कर्सर है उसके ऊपर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 19 पता नहीं मेरा कहाँ कर्सर, मुझे पता ही नहीं कहाँ है सर। 1 2 सर फिफ्थ लाइन सिक्स। अच्छा वो ग्राम, अच्छा मेरा 9 तुम लोग नहीं समझ पाए अभी तक, ये 19 है। अच्छा सर अच्छा ठीक है, आंसर क्या आएगा बोलो। 19 देखो एक बच्चा बोल रहा था 19 19, मैं नहीं समझ पा रहा था क्या बोल रहा है। हाँ बोलो आर्यन, बी आंसर आ गया आर्यन, वेरी गुड, क्या बात है, सॉल्व किया है तुमने, बी आंसर जो है आर्यन का आया है। सर मैंने नहीं भेजा, मतलब दूसरे आर्यन ने भेजा होगा। हैं क्या कुछ और लिखा था तुमने, सर सर लिखा है 2 बार 8:49 पे। सर मैं आपको बोल रहा था वो 1 ग्राम के बारे में तभी लिखा। अच्छा था अच्छा हाँ ठीक है, बी आंसर एक्चुअली है नहीं, आंसर इसका है सी। कैसे आएगा ये बताओ, हिंट देता हूँ मेरे को, हिंट देखो हिंट क्या है, डायरेक्ट सॉल्व तो करेंगे। क्या लिखा, एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट, शुरुआत में कोई भी उसके पास स्पीड नहीं थी, अगर स्पीड नहीं होगी तो वेवलेंथ भी नहीं होगी, सही बात है कि नहीं बोलो, है ना। फिर क्या लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो है तो लैम्डा अनडिफाइंड है, इज इनिशियली एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अगर उसको 100 वोल्ट से हमने एक्सेलरेट किया तो बताओ इसका लैम्डा कितना आएगा एंगस्ट्रॉम में, फॉर्मूला याद है 150 upon 10। हाँ 100 से किया है ना, 10 से नहीं, 15 अगर किया तो 10 हो जाएगा, ऐसे ही लिखो अभी 150 को कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हमें कंपेयर करना है। अच्छा ये लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2 कितना है बोलो बोलो, बाद में पोटेंशियल कितना हो गया, √150/9 रिटार्ड किया ना उसमें शुरू से कितना माइनस 100 तो अब तो 81 हो जाएगा। Yes, हो जाएगा, कितना वोल्टेज बचेगा रिमेनिंग कितना होगा सेकंड केस में, 81 तो यहाँ 81 डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखा है, देन हैज वेवलेंथ लैम्डा 2 निकाल दिया, लिखा है फर्दर रिटार्डेशन 32 मतलब फिर माइनस कितना करना है, तो सर ऐड होगी ना, नहीं फर्दर रिटार्डेशन किया ना, अच्छा फर्दर तो और माइनस हो जाएगी 81 में से, हाँ तो कितना आएगा बोलो, 49 इसको माइनस करके 49 हां 49 ये v3 हो गया,
सुनो, ये वी टू है, ये वी थ्री है, ठीक है। लैम्डा थ्री कितना आएगा बोलो? 150 √150/149. अब ये बस आप सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इस फंक्शन का। हमारे सामने है ना, आप क्या दिक्कत है? बोलो। 2163। ये आंसर है, ठीक है, सी वाला। हाँ सर, क्योंकि हमें निकालना है लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 3 डाल दिया ऐसे और माइनस लिख दिया लैम्डा। सर डिनोमिनेटर में रूट हटा दिया तो इजी हो जाएगा। हाँ ऐसे ना, तो अब रूट 50 तो कट जाएगा ना। यस सर, ऑब्वियसली 1/7 बचेगा, 1/9 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 1/10। इसको सॉल्व कर लो, 9 - 7/63/1/10, तो ऊपर जाएगा कितना होगा? 2 × 10/63, 20/63। समझ आया सर? ये आप क्लास के बाद एक बार वापस शेयर कर देना, एक बार खुद स्टार्टिंग से एक दो बार ट्राई करूंगा। हाँ इसको शेयर करेंगे। हाँ जी सर, ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, हर तरीके के सवाल हैं। अभी सबसे जो अच्छा सवाल है वो होमवर्क में दे दिया है मैंने करना तुम लोग, है ना? ओके सर, ट्राई करता हूँ। वो बेस्ट क्वेश्चन है इस लॉजिक पर। सबने नोट किया ये? सर एक बार होमवर्क बोल सकते हो आप? IS 13 page number 49। हाँ वो अभी दिया है और बाकी होमवर्क मिल रहा है। चलो होमवर्क हाइजेनबर्ग में बताने जा रहा था, ज्यादा टाइम नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। बस थोड़ा सा बता देता हूँ हाइजेनबर्ग। फिर काफी लोगों ने छोड़ दी क्लास, 4-5 लोग आया बिलीव। अच्छा तो हो सकता है उनको कम शायद सुनाई दे रहा हो, कुछ लैग हो रहा हो, तो सोचे होंगे आप तो। सर आप बता दो, यही क्वेश्चन बचा है, आप पढ़ाएंगे नहीं सर आगे, इसलिए छोड़ दिया होगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वैसे भी ये अगेन रिपीट करना ही है, इसमें होता क्या है वो सुन। जो अनसर्टेन का मतलब क्या होता है बोलो? जो सर्टेन नहीं है। यस सर, जो सर्टेन नहीं है। तो बोहर मॉडल में क्या था? कंफर्म जो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बोला गया था बोहर मॉडल में, है ना? यहाँ पे तो अब सर्टेन बोहर मॉडल में आपने बोला सिर्फ एक का वो होता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का। हाँ तो वो इसमें वो भी उसके उसका ड्रॉबैक है वो, कि वो एक ही के लिए वैलिड है। सब कहीं पे डिस्टेंस कितनी है बोहर मॉडल से? आर है। यस सर, रेडियस। लेकिन अगर इसमें डी ब्रॉगली मिला दो तो क्या होगा बताओ? सर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का निकाल पाएंगे आई गेस। तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो वेव फॉर्म हो गया ना। यस सर। तो इसकी लोकेशन तो क्या है, अलग अलग जगह पे अलग है, कंफर्म नहीं? तो इन दोनों को मिला के हाइजेनबर्ग ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी जो पोजिशन है उसमें हल्की सी अनसर्टेनिटी, ज्यादा नहीं है, थोड़ी एक रेंज बताई उसने। उसने बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर उसने इस तरीके से उसको एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी में लाया, बोला कि एक ये जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब बोला अगर तुम्हारी जो एक एरिया के बीच में मिलेगा, हाँ एक पर्टिकुलर एरिया के पास मिलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। सर वो रियल गैस इक्वेशन वाले जैसा? हाँ जैसे वहां पे भी किया था, तो हर जगह वैसे ही करते हैं। तो जैसे बोला कि एक एक सर्कुलर पाथ नहीं है उस तरीके का, बल्कि एक सिलेंड्रिकल टाइप का, मैं समझा रहा हूँ, उसने नहीं बोला सिलेंड्रिकल, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कि एक लगभग एक पूरे एरिया के अंदर कहीं पे मिल सकता है ना इस तरीके से, यहाँ 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 कहीं पे हो सकता है, समझ रहे हो? तो बोला कि इसकी सर्टेनिटी नहीं है इतनी रेंज में, ये क्या है? अनसर्टेन, अनसर्टेन है। हाँ ये इसके ऊपर उसने बोला, क्यों बोला है, कैसे बोला है, वो सारी चीजें हम लोग और भी कवर करेंगे। बट अनसर्टेन का मतलब सबको समझ में आया? इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन एकदम एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। हाँ कुछ एक एरिया के बीच में होगा, यही ना सर? हाँ ठीक है। उसने बोला सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ वो आएगा नेक्स्ट क्लास बताएंगे। सब चले गए ना 2-4 जो भी हैं अभी, देखो जब तुमने बोला उसके बाद भी 2 चले गए,
तो वो खाने की भूख भी होती है थोड़ा बहुत कुछ, थोड़ा ज्यादा थक जाता है सर। तो वैसा है। अच्छा होमवर्क कल है क्लास, तो कल कर लेंगे। हाँ होमवर्क मैं दे रहा हूँ इस पे, तो अभी देखो होमवर्क दे रहा हूँ। यस सर, लिख लेते हैं। अनसर्टेनिटी पे नहीं, इस पे नहीं। जो भी करवाया है आई गेस। सर एक्सट्रीम ऐसा हार्ड मत देना सर, जैसे आपने वो आइस 12 वाला क्वेश्चन करवाया वैसा मत देना। नहीं, मैं उससे दे रहा हूँ, बुकलेट बुकलेट से। ठीक से दे रहा हूँ, है सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिडबर्ग, तो पुराने बच्चे हैं वो भूल तो नहीं गए हैं सब रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह? नो सर। अच्छा वेरी गुड। सर आपने जो ग्रुप पे भेजा है वही होमवर्क उसमें से करना है असाइनमेंट 9, जो बुक भेजा है ना मैंने ग्रुप पे। सुनो कितने होमवर्क हो गए? 2। ये दूसरा होमवर्क, पहला होमवर्क क्या था बोलो? सर? वो आईस 13 वाला क्वेश्चन हाँ आईस 13 था। सर, ये कब तक करना होमवर्क ये होमवर्क तुम्हें संडे तक करना है। आज कौन सर? सा दिन कितने है? क्वेश्चन है असाइनमेंट 9 के? असाइनमेंट 9 ज्यादा नहीं है, 17 सवाल है। आज कौन सा दिन है? संडे? नहीं संडे ज्यादा ही हो जाएगा कुछ, है ना? सर अरे सर, आज क्योंकि हमें मैथ्स का भी 50 क्वेश्चन अराउंड मिले संडे तक करने के लिए। हाँ अच्छा, जी ठीक तो मैं आज देता हूँ, इसमें ऐड कर दूंगा मैं आगे। ठीक है, संडे तक है रखते सर। संडे तक हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका एड अप हो जाएगा और एक्स्ट्रा। तो ओके असाइनमेंट सर। 9 करना है, पेज नंबर 95 में मिलेगा बुक के पेज नंबर पे असाइनमेंट। ये असाइनमेंट पूरा इस पे बेस्ड है जो आज तुमने पढ़ा है, ओके सर। आज पढ़ा है और कल पढ़ा है, दोनों मिला के क्लास इतना करना है। तो सब ये नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइजेनबर्ग को फिनिश कर देंगे, उसके बाद क्वांटम मॉडल स्टार्ट करेंगे। और क्वांटम मॉडल में ओके ज्यादा नहीं लगाएंगे हम लोग, 2 क्लास लगाएंगे, फिर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। सबने नोट कर लिया ये? यस सर। ओके ठीक यस सर। सर एक बार हो सके तो स्लाइड्स थोड़ा जल्दी शेयर कर देना। अभी शेयर कर देता हूँ, याद दिला दिया तुम लोगों ने। हाँ चलो जी। ठीक है, बाय एवरीवन। इसको बाय सर। बाय सर। बाय।